एवरीवन, वेलकम टू आईटी स्किल्स। दोस्तों, हमने अपने चैनल का नेम चेंज किया है। पहले हमारे चैनल का नेम था माय शो, और आज से हमने आईटी स्किल्स रखा है। तो आईटी स्किल्स हमने इसलिए रखा है ताकि जो हम जो भी यहाँ पे लेक्चर्स अपलोड करेंगे वो आईटी से रिलेटेड होंगे, इसलिए हमने आज अपना नेम चेंज किया है। तो दोस्तों, आज हमारा लेसन नंबर 5 है। जो लेसन नंबर 4 था उसमें हमने एक सिंपल बेसिक हेडिंग लिखना सीखा था। तो इसमें हम आज आपको सिखाएंगे कि आप अपने HTML के पेज का जो बैकग्राउंड है उसको कलर कैसे दे सकते हैं। तो हम ओपन करते हैं नोटपैड हमने ओपन किया है। ये देखिए, जो लेसन नंबर 4 में हमने आपको हेडिंग बनाया था उसी में ही हम एक कलर ऐड करते हैं। तो आपको क्या करना होगा, कंट्रोल एस देखते हैं यहाँ पे। ये देखिए, ये अब इसमें कुछ भी नहीं है, हम इसमें कलर ऐड करना चाहते हैं। तो आपको दोस्तों कुछ नहीं करना, बस बॉडी में जाकर BG लिखना है, BG कलर लिखना है, इक्वल और कोटेशन। अब हम जो भी कलर लिखना चाहते हैं वो लिखें, ग्रीन लिखा है हमने। अब कोटेशन क्लोज करते हैं, तो कंट्रोल एस के साथ आप सेव करें। तो अब हम देखते हैं कि हमारे जो दिस इज हेडिंग है इसका बैकग्राउंड चेंज हुआ कि नहीं। ये देखिए दोस्तों, हमारे के जो हेडिंग का एक फाइल पहले से ही बना था उसका अब चेंज हो गया है बैकग्राउंड, अब देखिए ग्रीन हो गया है। तो अब हम इससे और समझने के लिए आप लिखते हैं इसको रेड लिखते हैं। कंट्रोल एस के साथ आप सेव करें और फिर इसे ओपन करें और इसको रिफ्रेश करें। ये देखिए, अब हमारा कलर रेड हो गया। तो दोस्तों, आप HTML में अपने पेज या वेबसाइट या फ्रंट एंड का कलर या बैकग्राउंड ऐसे ही चेंज कर सकते हैं, इजीली है ये आपके लिए। हम आपको HTML स्टेप बाय स्टेप इसलिए समझा रहे हैं कि ताकि आपको इजीली समझ में आए। तो दोस्तों देखिए, अगर हम सब एक ही लेसन में सिखाएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये बेसिक है। तो बेसिक हम आपको स्टेप बाय स्टेप लेसन में जो इजीली आपको समझा रहे हैं। अगर आपने हमारे लेसन नंबर जो स्टार्ट से हमने दिए थे 1, 2, 3, 4 अगर वो नहीं देखे तो उसे ज़रूर देखिए, क्योंकि उसमें आपको पता चल जाएगा कि हम ये कोर्स जो है वो फुल अपलोड करेंगे ताकि आपको इजीली समझ आए। तो हम इसको देखिए, अब फिर से हम आपको बता रहे हैं कि आप जो बैकग्राउंड है अपनी फाइल का वो कैसे चेंज कर सकते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे रिफ्रेश करके फिर से हम आपको सिखाएंगे। तो दोस्तों, आपको क्या करना है, बॉडी में जाकर BJ कलर लिखना है। कलर के बाद आपको ये लिखना है, अब इसको हम ब्लू लिखते हैं, कोटेशन आपको देना है। अब इसको हम सेव करते हैं, देखते हैं कि कलर चेंज हुआ कि नहीं। अब ये देखिए, अब हमारा जो कलर था वो ब्लू हो गया। तो दोस्तों, आप HTML में अपने पेज या फाइल का कलर या बैकग्राउंड ऐसे ही दे सकते हैं। आपको कुछ नहीं लिखना, सिर्फ बॉडी में BJ कलर इक्वल टू और कोटेशन, जो आप कलर लिखना चाहें वो लिखें और फिर कोटेशन देकर कंट्रोल एस लगाकर सेव कर दिए। ये देखिए, अब हमारा चेंज हो गया है। इसको हम ब्लैक करना चाहते हैं तो इसे हम ब्लैक करते हैं। आपको सिर्फ ब्लैक लिखना है। ये देखिए दोस्तों, ब्लैक हो गया है। अब इसको हम फिर से रेड लिखते हैं, सेव करते हैं। ये देखिए दोस्तों, आप जो भी कलर देना चाहते हैं वो दे सकते हैं HTML के थ्रू। आप HTML नोटपैड में यूज कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज का जो हमारा लेसन था वो HTML के पेज को बैकग्राउंड देना। आप अपने पेज को HTML के पेज को ऐसे ही बैकग्राउंड दे सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो हमारे आने वाले वीडियोज़ हैं वो आप आसानी से देख सकें। थैंक यू।